लेबनान की ओर से बुधवार को इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए, जिसके जवाब में सेना ने गोलीबारी की। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक देश के उत्तरी हिस्से में संभावित रॉकेट हमले की चेतावनी के साथ खतरे का सायरन बजाया गया। टेलीविजन पर आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि एक रॉकेट खुले इलाके में आकर गिरा और एक अन्य को इसराइल की रक्षा प्रणाली यानी आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि सेना भी जवाबी कार्रवाई में तोपें दाग रही है। लेबनान के साथ लगती सीमा पर मेतुला में चेतावनियां जारी की गई हैं। हाल ही के महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुई। ऐसा माना जाता है कि लेबनान में स्थिति फलस्तीन समूहों ने गोलीबारी की है, न कि हिजबुल्ला ने। हिजबुल्ला को इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। हालांकि इसकी संभावना कम है कि ये समूह हिजबुल्ला की अनुमति के बिना काम कर सके।